एवरीवन, वेलकम टू अस्मा स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैंने आज आप लोग ये सोच होंगे कि मैं इतनी जल्दी मेरी वीडियो दोबारा कैसे आ गई, मुझ जैसी सुस्ती की पोट इतनी जल्दी कैसे वीडियो दोबारा बना ली। तो उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जैसे आपको पता है शादियों का सीज़न अब शुरू हो रहा है और धड़ाधड़ लोग शादी की वीडियोस डाल रहे हैं और ईद जो आप लोगों ने माशाल्लाह पाकिस्तान में सबने तीन तीन चार चार दिन सेलिब्रेट की है और हम बेचारों की जो है ना वो एक दिन की ईद थी या दो दिन की मैक्सिमम। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने सोचा कि मुझे ना देख देख के इतना ज़्यादा ही हो रहा था, सोचा नहीं मैंने कुछ, सॉरी, ये मुझे आदत है कहने की, तो और इस वजह से मैंने सोचा मुझे बहुत कहने की आदत है तो आप प्लीज़ को इग्नोर कर दिया करें। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे ना देख देख के और था कि यार हम लोगों को क्यों तैयार होने का कोई मौका नहीं मिलता। अब हम यहाँ रह रहे इतना दूर, यहाँ पे ना कोई शादियाँ आती हैं, मतलब आती हैं लेकिन हमें कोई नहीं बताता ना, तो इतनी वो बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। मेरी पूरी वार्डरोब जो है वो कपड़ों से भरी हुई है, फैंसी इतने मज़े मज़े के कपड़े, लेकिन कोई मैंने एक दफ़ा पहना है, कोई मैंने दो दफ़ा पहना है और दोबारा नौबत ही नहीं आई पहनने की। और सुस्ती अलग हो जाती है कि यार अब कौन ऐसी घर में पहन के तैयार होकर भेज अपने घर के काम करने। लेकिन मैंने सोचा एक चीज़ मैं कर सकती हूँ और मैं चाह रही थी ये काफ़ी दिनों से कि मैं थोड़े से रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ, डेली व्लॉग्स सोच रही थी कि अपलोड करूँ। तो मैंने सोचा कि डेली व्लॉग्स अपलोड करने के लिए मुझे थोड़ी सी एक ना मोटिवेशन चाहिए किसी चीज़ के लिए कि मैं वो अपलोड करूँ और वो तो एक दिन से दूसरे दिन का व्लॉग डिफरेंट हो। क्योंकि नॉर्मली अगर डेली ब्लॉग अपलोड करूँ मैं तो एक ही रूटीन है मेरी और आप वो लोग देख देख के पक जाएंगे। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट में इसको इंटरेस्टिंग बनाती हूँ इस तरह से कि जितने मेरे इस वार्डरोब में ड्रेसेस हैं, ठीक है, वो सारे हर रोज एक एक करके मैं पहनूंगी और अच्छा सा ड्रेसअप होंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो लुक, ठीक है। इस तरह से ना एक तरीके से आप कह लेंगे जितने डेज उतने ड्रेसेस चैलेंज हो जाएगा मेरे लिए। और इस तरह से मैं एक डेली वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन भी होगी कि यार हाँ मुझे तैयार होना है, मुझे तैयार होने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये एक मुझे बहाना भी मिल जाएगा और आई होप कि आप लोग भी ये वीडियोज इन्जॉय करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं पहले इस वार्डरोब की तरफ और देखते हैं कि इसमें मेरे कौन कौन से फैंसी कपड़े हैं जो मैं आपको आज दिखाऊंगी। क्योंकि आज इस व्लॉग का स्टार्ट होगा कल से इस चैलेंज का, लेकिन आज जैसे मैं शो कर दूंगी आप लोगों को ड्रेसेस अपने कि वो है कौन कौन से जो मैं पहनूंगी। सो जस्ट वेट, मैं लेके आती हूँ। सो वहां पे लाना था थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं उठा के सारे पहले अलमारी पूरी खाली करूँ फिर आपको दिखाऊं, तो मैं सोचा यहाँ से ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी लाइट इतनी बुरी नहीं है, सो आई होप कि ये अलमारी का इतना बुरा हाल नहीं है। सॉरी, ये थोड़ा सा टपा रहा है। तो अच्छा, हमने पहने फैंसी कपड़े, ठीक है। तो फैंसी में सबसे पहले आएगा दिस वन, मेरी साड़ी। ओ माय गॉड, साड़ी, आई लव 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 साड़ी यार। और ये साड़ी मैंने अपनी एक भांजी की शादी पे बनाई थी और मैंने टोटल दो दफ़ा पहनी है, एक दफ़ा अपनी फ्रेंड की शादी पे पहनी है और एक दफ़ा उसकी शादी पे पहनी, और अभी ऐसी की ऐसी हैंग हुई है। तो एक ये है, एक दिन हम ये पहनेंगे। और सेकेंड है ये टॉप, आई लव ग्लिटर्स यार। आप में से कोई कहेगा कि शायद कुछ लोग ये खाएं कि इतनी चमक चमक वाले कपड़े, बस आई लव ब्लिंग ब्लिंग ब्लिंग। और एक ये है, तो इसको हम किसी जीन्स वगैरह के साथ अपने मैच करेंगे, मिक्स एंड मैच कुछ। और एक ये हो गया, ठीक है। और एक ये है मेरा ईद का ड्रेस, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। और ये मैंने जो है ना जब सिंगापुर में हम थे ना बकरीद पे मैंने पहना था, तो ये मेरा बहुत अच्छा है सर ट्राउजर है। और दुपट्टा इसका कहाँ है, दुपट्टे मैं भी दिखाती हूँ, यहीं पे कहीं है इसका दुपट्टा और इसका सिंपल गोल्डन ट्राउजर है। तो ये है इसका काम शाम सारा। तो ये एक दिन हम ये पहनेंगे। कैमरे को हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि आप लोग ड्रेसेस सही से देख सकें। हाँ, तो ये है वो ड्रेस, ठीक है, एक दिन हम ये पहनेंगे। ये भी बहुत ही प्यारा है, मैंने बातिक से लिया था ये, और ये भी मैंने पाकिस्तान में एक शादी थी उसके लिए लिया था। और इसके साथ ये दुपट्टा है और ये इतना मजेदार ट्राउजर है, ठीक है। तो एक ड्रेस ये हो गया, एक दिन हम ये पहनेंगे, ठीक है। और ये मेरी फेवरेट तरीन शर्ट है, ये मैंने ली थी आगा नूर से, कैन सी। और इसके साथ ये है दुपट्टा, ठीक है। और इसके साथ मैं कोई गोल्डन ट्राउजर ही लगा लेती हूँ, तो इसका मैंने अलग से ट्राउजर नहीं था, शर्ट और दुपट्टा था बस, ठीक है। एक मेरी है ये लॉन्ग शर्ट है और ये मैंने कहाँ से ली थी, लेट मी सी, आई थिंक ये खाड़ी की है। हाँ, मैं एक तो ना टैग उतार देती हूँ, ये खाड़ी की है। हाँ, ये खाड़ी की है। और एक दिन हम ये पहनेंगे। ये जो है ना गरारा, यू नो दैट, इसको खोलना पड़ेगा। इसके साथ ही वेलवेट की रेड शर्ट है
और इसके साथ मैं गोल्डन दुपट्टा ही चलाती हूँ। और ये है गरारा। ओ माई गॉड, आई लव गरारा यार। मुझे ना, मेरा दिल चाहता है कि मुझे कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें बस मुझे ड्रेसअप होना हो, मेकअप करके रोज और तस्वीरें खिंचवाती रहूं बस। आई लव दिस वन। ये भी मैंने कोई टोटल, ये तो मैंने एक दफा पहना है, सिर्फ एक दफा लिटरली पहना है मैंने मेहंदी में, और उसके बाद अभी तक नहीं पहना। तो इसको पहनने के लिए भी मैं बहुत तरस रही हूँ। तो एक दिन हम ये पहनेंगे। ये मैंने बहुत डिसेंट सिलवाया था, इस पर मेकअप भी लग गया मेरा, सॉरी, इसको मैं साफ कर लूंगी बाद में। और इसके साथ ना, ये उन दिनों जब मैंने ड्रेस सिलवाया था ना, तो उन दिनों ना ये वाले बनारसी दुपट्टे चल रहे थे, ये तो मुझे ये ना इतना पसंद था दुपट्टा इस तरह का, तो मैंने सोचा कि इसके साथ बिल्कुल प्लेन सूट होना चाहिए जो कि सही उसके साथ जाएगा फिर ना। तो ये दुपट्टा है इसके साथ, और इसी तरह का बिल्कुल प्लेन ट्राउजर मैंने सिलवाया था, जस्ट ट्राउजर पे ये मैंने बटन लगवाए थे, ये बस, उसके अलावा बिल्कुल प्लेन ड्रेस है। और अब ये तो मुझे बाद में रखना पड़ेगा, इसको भी देर हो रही है, मुझे बच्चों को लेने जाना है। कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी हैं जो मैंने ये उल्टा रखा हुआ है, देखो जरा, जो मैंने अभी तक जो है ना पहने ही नहीं है, तो इसको आप सीधा उल्टा एक जैसा ही है, तो प्लीज आप इसको ऐसे ही देख लें क्योंकि मुझे देर हो रही है इस टाइम ना। एक ड्रेस ये है, इसमें ना टेलर ने काफी गड़बड़ कर दी थी, ये इस तरह का है, देख रहे हैं आप, ये फ्रॉक है ये, तो इसमें टेलर ने गड़बड़ कर दी यहाँ से फिटिंग वगैरह की, लेकिन ये पहन के इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ही आला है, ये इसका दुपट्टा। मुझे ना हमेशा से ना इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं जिनमें प्लेन ड्रेस हो और दुपट्टा सही फैंसी हो, तो असल लुक ना उससे मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी आती है, क्योंकि ड्रेस अगर प्लेन हो तो आप मेकअप हैवी भी कर सकते हो। तो एक ड्रेस ये है, और ये मैंने एक दफा ही पहना है, तो हम ये भी पहनेंगे इंशाल्लाह। पसंद है ये मेरा ड्रेस, जुनेद को बहुत पसंद है, मैंने सिंगापुर में ही लिया था। तो इसके साथ प्लेन इस तरह का दुपट्टा है, छोटे छोटे से इस पे काम है, और ब्लैक ट्राउजर है इसका, ठीक है, एक दिन हम ये पहनेंगे। एंड लास्ट वन, ये मैंने अभी तक एक दफा भी नहीं पहना, ठीक है, और ये ड्रेस जो है ना मैंने यहीं से लिया है, क्योंकि मुझे आजकल बहुत शदीद ख्याल आया हुआ था दोबारा कि मैं कोई ना सीक्वेंस और ब्लिंग ब्लिंग वाले काम करूं, तो इसलिए मैंने ये लिया है। ये एक जगह सेल में लगा हुआ था, मुझे शॉप का ना नाम, क्या नाम है, एल्बेरे कुछ नाम है मुझे एग्जैक्टली, या प्लीज प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो इस पर ये सेल पर लगा हुआ था, तो मैंने ये लिया है, लॉन्ग मैक्सी स्टाइल है, ठीक है। और ये मैंने अभी तक एक दफा भी नहीं पहना, मैंने ईद पे पहनना था, लेकिन फिर ना मेरी हम ना आई नहीं थी ना मेरे साथ यहाँ पे, मेरी सिस्टर इन लॉ, तो उनका ड्रेस ना बहुत प्लेन था, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं ना बहुत ही छमक छल्लो लगूंगी, तो फिर इसीलिए मैंने वो नहीं पहना, ये वाला नहीं पहना, और मैंने एक प्लेन जो है ना वाइट ड्रेस ले लिया था। वाइट ड्रेस भी मेरी कब से लिस्ट में था, तो फिर इसलिए मैंने वो पहन लिया। तो अभी ये भी पहनना है, तो हम ये भी पहनेंगे। ओके, तो ये 14 ड्रेसेस हैं, तो ये 14 डेज 14 ड्रेसअप चैलेंज हो जाएगा, किस तरह से कहेंगे इसको, 14 डेज ऑफ ड्रेसअप चैलेंज, इस टाइप का कुछ मैं इसका नाम सोच लूंगी बाद में। तो ये हम चैलेंज करेंगे, और आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके बाद मेरी स्किन का क्या हशर होगा वो मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी स्किन का इतना मसला है, तो मैं जितना ज्यादा मेकअप अगर अप्लाई करती हूँ तो मेरी स्किन खराब होती जाती है, लेकिन ये चीजें तो मेकअप मांगती है ना, तो मेकअप तो करना पड़ेगा इनके साथ, ठीक है, वगैरह भी अकॉर्डिंगली मैं निकालूंगी। हम मिलकर सेलेक्ट किया करेंगे रोज के आज जो ड्रेस पहन रहे हैं उसके साथ कौन सी ज्वेलरी मैच करेगी और कौन से शूज मैच करेंगे। शूज के पास मेरे पास बहुत ही कम वो है, कोई लिटरली 2-3 जूते हैं मेरे पास जो मैं चलाती रहूंगी बदल बदल के, क्योंकि मैं जूते ज्यादा नहीं लेती, मुझे जूतों से ज्यादा मेकअप और कपड़े लेना पसंद है। तो वो हम मैच करेंगे, और फिर हर रोज हम डिसाइड क्या करेंगे, और फिर आपसे शेयर करूंगी मेकअप और दिन का ड्रेस अप जो हुआ होगा। वीडियो इतनी लंबी होगी, मैंने सोचा था छोटी सी वीडियो होगी, मुझे अब जाने बच्चों को पिक करने, इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलती हूँ, और टिल देन स्टे ट्यून्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।